गलती होगी मम्मी, गलती से फूट गई। अच्छा, गुल्लक वहां से उठी और अपने आप यहाँ के फूट गई। मैंने पहले तुमसे पैसे मांगे पर तुमने मना कर दी, और नू कही कि अगर होते तो दे देती, तो मोया में थी कि मैंने फोड़ दी। अब मैं तुम्हें फोड़ूंगी। मैं भाग जाओ भाग जाओ, अब की बार मेरे हाथ आ गए ना तो तुम दोनों को बीच में से फाड़ के खुंटी पे सुखा दूंगी। आइयो अब घर। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? कुछ ना औलाद ने परेशान कर रखी हूँ, तुम्हें तो पता ही है रोज का है यहाँ। अरे ऐसा भी क्या कर दिया बच्चों ने, तुम तो जब देखो बेचारों के पीछे पड़ी रहती हो। बेचारे तुम्हें बेचारे लग रहे दीदी, 100 राक्षस मरे होंगे ना तब ये 2 आतंकी पैदा हुए होंगे। अरे कभी अच्छे से बिठा कर समझा भी लिया करूँ। तुम्हारी गैल ना रहते ना दीदी, मेरी गैल रहे मो पता है, दोनों लौंडा खराब निकल गए, पढ़ते लिखते ही है ना, पैसा चुराना सीख गए, आज पैसा न दिए तो गुल्लक फोड़ दी, और इनका बाप वो तो इंसू भी आ गए, घर में शांति तो रही ना है कतई भी। अच्छा तो एक काम करो, पूजा पाठ करवा लो तुम। पूजा पाठ कर रहे हैं दुष्ट, एक अगरबत्ती तो लगाई ना कभी जिंदगी में। अरे बच्चों के लिए नहीं कह रही मैं, घर में पंडित बुलाकर हवन या कथा करवा लो, घर में शांति बनी रहती है। है दीदी, हो जाएगा वहां से कुछ? अरे क्यों नहीं होगा। अच्छा ये बताओ आखिरी बार हवन कब करवाया था? दीदी वो तो मो याद ना, मो लगे जब ये दोनों भूत हुए ना, जब इनकी दादी ने करवाया, वहां के बाद बुढ़िया मर गई, तब से तो कुछ हुआ ना दीखे। अरे 20-20 साल के बच्चे हो गए और आपने कुछ नहीं करवाया? पूजा पाठ तो घर में होती रहनी चाहिए ना दीदी। मैं पूजा तो करा लूंगी लेकिन वासु कुछ हो सके? अरे हमारे घर पे किसी ने ऊपरी चक्कर कर दिया था, इनकी ड्यूटी छूट गई, दारू पीने लगे, काम धंधा सब चौपट हो गया, और जो छोटे वाला बेटा है ना उसकी तो आवाज ही चली गई थी, वो तो ऐसे ऐसे करके बोलता था। समझ गई दीदी, इनके पापा खेत में पानी लगाने गए हैं, आन दो आज ही बात करूंगी, हवन तो हो के ही रहेगा। जरा सा झूम लू मैं अरे नर्मदा बन्ना, जरा सा चूम लू मैं अरे नर्मदा बन्ना, उधर आ गई मेरी जान। अरे जान वान छोड़ो, ये पकड़ो अपनी शर्ट और अगली बार से फाड़ मत लेना, अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। अरे सुन तो सही, कौन आ रही है? तुमने तो आफत ही मचा रखी है, कुछ देख लेगा यहाँ पे। और एक मिनट भीतर को आजा समझे कर। तुम तो बिल्कुल ही बेशरम हो रखे हो, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। अरे तुम अपना काम करो, बाद में मिलूंगी। और अभी अभी तो आई और अभी अभी जाना, और ऐसी भागती रहेगी तो प्यार कर ली भाना है। चल कोई बात नहीं, बुरसे हट जाएगी कम से कम। और कहा घर में शांति रहनी चाहिए, यही मारे तो हवन करा रही हूँ, कहा पता हवन करा के सब ठीक हो जावे। देख ले बेटा जैसे तो ठीक लगे। अच्छा मैं नू कह रही, बहुत दिन हो गए तुम भी यहाँ ना आई, हवन हो रहा है या बहाने घूम जाओ? मैं तो आ जाती बेटा, एक तो अपने घुटने से परेशान, मैं पर चला ना जाता, दूसरा मैं आ गई तो यहाँ भैंसन ने कौन देखेगा? अरे मम्मी इन भैंस बुग्गी ने यार मेरी कट गई तुम्हारी सारी जिंदगी, और ऐसी मेरी कट रही है। कोई बात ना बेटा, अब कहा कर सके, डबल एमए करी मैंने, जब भी तुमने गोम में ब्याह कर दिया मेरा। ठीक है मम्मी, बाद में बात करूंगी, आ गई है। नो नो कर ले, तेन तो वैसे भी डबल एमए कर रखी है। हाँ तो कर रखी है, तुम्हारी तरह 10वीं फेल थोड़ी ना हूँ। और तो तू कौन सा डबल एमए करके चंद्रमा पर झाड़ उड़ा रही है, या घर में गोबर के उपलाना पास रही है? फालतू की बात मत करो मौसू, वो घर में हवन करवाना है। हवन तो खैर मो भी करवाना। क्यों तो मैं क्यों करवाना? किसी की आत्मा ज्यादा ही भटक रही है आजकल। अच्छा वो तो पता पड़ जाएगी किसकी आत्मा परेशान है, फोन करो पंडित जी को, हवन करवाना है, करो करो। पाना दाते जी। हाँ हेलो। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार भाई साहब नमस्कार। और सुनाओ ठीक हो पंडित जी? अरे साहब सब कुशल मंगल है। मैं तू पूछ रहा हूँ यहीं गांव में ही है या कहीं बाहर हो? नहीं नहीं अभी तो घर में ही है, आप बताइए। घर ही हो, बहुत बढ़िया, तो फिर फोन पे कहाँ बात करनी, एक काम करो घर ही आ जाओ। हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ, कोई जरूरी काम है क्या? अरे कुछ सुनो, इतने मरदोल की मम्मी हवन की बात कर रही है, तो अगर आप घर ही हो तो एक मिनट रुको आ जाओ यहीं। ठीक है भाई साहब मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है पंडित जी ठीक है। कितनी देर में आ रहे हैं? बोला घर ही बस एक मिनट में आ रही है। और ये नई शर्ट कहाँ से आई? दो दिन पहले खरीदी मैंने,
टुब्बल पता नहीं वहां से लेकर आया यार। वो तो यूं ना समझ आ रही, टुब्बेलन पे धरो खागा आजकल। राधे राधे, मोला का पंडित जाली दिखे, रुक जा एक मिनट। राधे राधे, पंडित जी आ गए। यजमान राधे राधे। राधे राधे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सब कुशल मंगल? और सब कुशल मंगल, आ जाओ भीतर, कुताओ सब भीतर जाओ। चलो भीतर बैठेंगे। नहीं नहीं बहन जी, वो तो मुझे समय नहीं है, कथा करने जाना है। भाई साहब ने बुला लिया इसलिए चला आया मैं। अच्छा जल्दी में आओ। तो पंडित जी मैं सोच रही कि हवन करवा लूं घर में, कई साल हो गए हवन न हुआ। हाँ तो बहन जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, हवन पूजा पाठ तो पुण्य के काम है, जब मर्जी आप करवा लीजिए। हाँ तो मैं वही पूछ रही, आप कब फ्री हो और मुहूर्त कौन से दिन का बढ़िया रहेगा? वैसे अगर आपकी तरफ से देरी ना हो तो कल का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। ना ना पंडित जी, हमारी तरफ से कोई देरी ना है, आप कल चाहो तो कल करवा लो। तो बड़ी जल्दी हो रही है हवन करवाने की, दो चार दिन में करवा लेंगे। चुप रहो तुम। पंडित जी आप कल ही करा लो, बस मोनू बता दो सामान क्या क्या चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी है। हाँ सामान का पर्चा तो मेरे पास है ऐसे कि हाँ, ये रहा सामान का पर्चा, आप ये सामान मंगवा लीजिएगा, कल सुबह मैं आ जाऊंगा। राधे राधे। बस पंडित जी कल कहाँ टाइम आओगे तुम? जी सुबह सुबह का ही रख लेते हैं। ठीक है पंडित जी, आप दिक्कत मत लो, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी, आप आ जाइयो कल, ठीक है? जी जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है पंडित जी, राधे राधे। अरे ये गेट भी बजता ही रहे है। कौन है अब? हाँ मैं हम तारी भाव की बालक। अरे आगे मेरे बॉय आ तो, बस थारी मम्मी भी थारा इंतजार कर रही है। क्यों पीटने को? अरे हवन करवाना कह रही है वो। हवन? कौन सा हवन? पूरा तेरी मम्मी नू लगे घर में शांति ना है, बालक पढ़ते ना, कोई उपल्ला चक्कर चल लो। उपल्ला चक्कर? पर बाबा तुम्हारा तो पिछवाड़ी आंटी चक्कर चल लो। राहुल लुके पट्टा, उपल्ला चक्कर मतलब टोने टोट का भूत प्रेत, इन चक्करों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ, ऊपर चक्कर। अच्छा वैसे पापा नु बताओ, ये मम्मी के हवन सु तुम्हारे पिछले वाले चक्कर पर असर तो ना पड़ेगा ना? अच्छा तुम एक काम करो, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। कहा वो पापा जी? अरे तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। पहले पता ना काय बात का हवन धरवा लियो यार। अरे बहु मांग लेंगे हवन में। मम्मी आ गए होगे कमाई करके, अब भूख लगाई होगी तो घर चलो, मम्मी रोटी दे दो। ना ना बिल्कुल भी ना, आज तो सवेरे 40 रुपए मिल गए, दोनों भाई चौमीन की प्लेट मार के आ रहे। बेटा पेलूंगी तो मैं कई दिन तुम्हें। वैसे मम्मी मोह लगा तुमने गुल्लक में से चिमटी करके पैसे निकाले। हमने 150 कह रहे और हमें मिले 40, 110 रुपए की चोरी करी है तुमने। हाँ करी, क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हें नजर रहा है गुल्लक पे। और कान खोल के सुन लो, कल हवन है, उधर सामान का पर्चा उठाओ, नत्थू की दुकान पे जाके सारा सामान आ जाना चाहिए। ठीक है ले आएंगे, लो पैसा दो। तुम सामान ले आओ, पैसा मैं खुद दे आऊंगी। 7.5 लाख करोड़ रुपया उधारी हो रही है मम्मी, गांव में थूथू करवा दी बिल्कुल। कतई बेइज्जती। पंडित जी, ओ पंडित जी। हाँ भाई साहब। और पंडित जी तुम भी कौन भीतर बढ़ रहे हो, यहाँ को आओ। हाँ भाई साहब। और आप पंडित जी मैं नू कह रहा हूँ, कल तो तुम हवन हवन करने कह रहे, वो मैं कहाँ कहाँ करोगे, क्या क्या फायदे होंगे हवन के? भाई साहब हवन के तो फायदे ही फायदे हैं, घर में शांति बनी रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है। और आप पंडित जी वातावरण शुद्ध रहे न रहे, घर में शांति बने न बने कोई दिक्कत ना हो, और कई उपल्ले चक्कर से कोई कोई दिक्कत ना हो आसू भी, बस ऐसा मंत्र मत मार दियो जासू मेरे बाहरी चक्कर खराब हो जाए। मैं समझा नहीं भाई साहब। और आप पंडित जी मैं समझाऊ तुम्हें, पहले एक काम करो दक्षिणा रखो, जब समझ में आएगी थारे। मैं कह रहा हूँ कि मेरी गम का आंसू चल ली है, तो काई चीज को भी ऐसा मंत्र मत मार दियो जो मेरी बात खराब हो जावे। आगे समझो पढ़ना थी। समझ गया भाई साहब, समझ गया। हाँ अब ठीक है। मैं तो प्रार्थना ही यही करूँगा कि आपके चक्कर हमेशा चलते रहे
दसों दिशाओं में चलते रहे। और आप पंडित जी दिल जीत लिए तुमने तो। लो राधे राधे। खुश रहो बस, तुमको दिक्कत रहो, कल मिलेंगे अब ठीक है। राधे राधे पंडित जी। पंडित हो तो ऐसो ना तो हो भाई लो। राधे 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 राधे। अरे अरे अरे, तुम लोग यहाँ यहाँ कहाँ से? अरे पंडित जी, हमारे घर को ज्यादा दूर थोड़ी ना, छत से छत कूद कर आ जाते हमारे यहाँ तो। अब काम की बात सुनो, कौन काम बता तू? हाँ हाँ बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पंडित जी कल हवन करने आई रही हो। हाँ तो दक्षिणा तुम्हें मिली गई है। मिल गई ना? तो जब दक्षिणा मिल गई है तो बस एक काम कर लीजिए, कल हवन में ना कुछ मंत्र ऐसे मार दीजिए जो हम दोनों को ब्याह हो जावे। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, बच्चे हो तुम, अभी पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी। किसने कही पढ़ाई की उम्र है? अरे आगे दाढ़ी आगे पंडित जी, बहू आगे ना देरी। और फालतू बात मत करे करो, एक काम करो, 100 रुपये मेरी बहू के और 100 रुपये नितिन की बहू के, इन्हें भी रख लो, पर इन जाड़े जाड़े में ना हम दोनों को ब्याह हो जाना चाहिए बस। राधे राधे, सबका हो जाएगा बेटा, सबका ब्याह हो जाएगा, पूरे घर में करा दूंगा ब्याह तो। ठीक है मंडी जी, राधे राधे। राधे राधे भाई। नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम भूभुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम गणेशाय देवाय नमः स्वाहा। अब बहन जी एक कटोरी में चावल और थोड़ी सी रोली ले आइए। हाँ हाँ पंडित जी, लेके आई हूँ, ये रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हवन शुरू होगा। मम्मी आ गए तू? नितिन कहाँ है? नितिन वहाँ गया आम के पत्ता लेने। 1.5 घंटे में तुमसे पत्ता ना लाए गए? तुलसी का पत्ता लाया ना लाया? हाँ लाया हूँ ना, ये लो। यू है तुलसी का पत्ता? तो मेरे कौन सा हो गया वो बड़ा वाला? देवता हमें माफ कर दे और यहाँ आके बैठ जा। तो याद ले लो। बता रही हूँ, बैठ जा चुप। देख रहे हो पंडित जी, ये हमारा हवन करा रही हूँ मैं। बालक आपके मंद बुद्धि हैं। ओ पंडित जी, परंतु पिता बहुत चतुर है यार। हाँ बहन जी, थोड़ा सा गंगा जल मंगा लीजिए। पंडित जी गंगा जल तो ना है घर में, गंगा जल भी नहीं है। पंडित जी मैं इनसे हर बार कहूँ हरिद्वार ले चलो, मो जाते ही नो है, मैं तो 5 लीटर की कट्टी भर लाती तो हो जाएगी। ओ पंडित जी उधर लोटा, यू लग रही नल, यहाँ से भर लो, हर जल गंगा जल ही होकर है। अरे भाई साहब, ये साधारण जल असर नहीं करता। उसका दारू तो चढ़ेगी ना, हर जल गंगा जल ही होकर है, कहीं से भी ले लो, हर जल गंगा जल ही है। चलिए ठीक है, हम तो कर ही लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, करता हूँ। लाओ बेटा हाथ आगे करो। अरे दुष्ट, पीना नहीं था इसको। अरे मंद बुद्धि, थूकना भी नहीं था। अरे पंडित जी तुम्हारे भी कीड़े काट रहे थी क्या? पीना नहीं था, थूकना नहीं था, और क्या इतने चुल्लू भर पानी ढूंढ के मर जाऊं? और पंडित जी कहा तुम भी इन बालकन में लग रहे हो, जल्दी जल्दी कार्यक्रम आओ करवाओ। हाँ ठीक है, ये अक्षत हाथ में लीजिए और 3 बार अपनी धर्म पत्नी का नाम लीजिए। या को मांग लूं? तो और किसका लेंगे? बड़ा पंडित जी क्या नाम, तो मैं साल में 1 बार ना लूं, तुम दिन में 3 बार लेने कह रहे हो? नाम तो लेना ही पड़ेगा। जरूरी है कोई लेना? हाँ धर्म पत्नी तो आपकी यही है ना। पंडित जी हमारे यहाँ जो है ना बहन का नाम ना लेते, मैं मन में ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है पापा।
हाँ जी पंडित जी, नाम तो ले लिया। किसका नाम ले रहे तुम? अरे रुक जा, हमें तो बाद में बताऊंगी। बहन जी, अगर वो आम के पत्ते मिल जाते तो बहुत बढ़िया होता। पंडित जी, औलाद के लक्षण तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे, तुम थोड़ी पूजा आगे करो, आ जाएगा। ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरे नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय देवो नमः स्वाहा। ओम महेशाय देवो नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। ₹200 ले लूंगा अपने उल्टे। तो आप सभी लोग पूर्ण आहुति के लिए तैयार हो जाएंगे, और बेटा आप ये बची हुई सामग्री और घी को सर के ऊपर से डाल देंगे, ठीक है? पंडित जी, सर के ऊपर से? हाँ हाँ बेटा, सर के ऊपर से ऐसे डाल देंगे। मस्तानी, सर के ऊपर डालना? अरे भैया, जब पंडित जी कह रहे तो गलत थोड़ी ना कह रहे हो यहाँ। सही में? अरे भैया, जब पंडित जी कह ही रहे हैं तो डाल दो। डार दो यार। तो अब सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। अरे ये क्या रहा, ये क्या किया तूने? दुष्ट पापी मंद बुद्धि, मेरे सर पे क्यों डाला तूने ये? मैंने कहा करा, मैंने दो बार पूछी आपसे, लेकिन आप ही कह रहे सर पे गेर दे, मैंने गेर दियो। अरे सर पे थोड़ी कहा था, सर के ऊपर से इस हवन में डाल दे को कहा था। मूर्ख कहीं का। अरे बहन जी, क्या खा के पैदा किया इसको आपने? है और क्या जरूरत है इस घर में हवन कराने की? अरे हवन होता है इंसानों के घर में, ये हैवानों के घर में थोड़ी। अरे कुत्ते, तेरी पूजा तो मैं करूंगी अब। आम के पत्ते ले आया मैं। ले आया? आजा जल्दी, पूजा हो रही है। पड़ी जल्दी ले आया, कहाँ जाए वो? अब भी क्यों आया? मत आता। राम राम जी, कैसे हो सारे के सारे? तो वीडियो आई है काफी दिनों बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप सबको वीडियो कैसी लगी, और सारी जितनी भी नेचुरोसिस जितनी भी चीजें आपने देखी ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को सबके साथ शेयर करना। किस किस के साथ? सबको। देखो अपनी सेटिंग को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ, चाची नाना पड़ोसी ने दिखाओ, सब दिखाओ, जो जो हवन करना चाह रहे हो सब दिखाओ, और जिन भूतन ने जरूरत हो हवन की उनके घर करवाओ। और बहुत बढ़िया दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना 14 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी। 14 मिलियन, ये ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, नई नई वीडियो जल्दी आएंगी, बहुत शानदार आएंगी। आपको पता, अच्छे काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो बस उसी में लगे हुए थे, बाकी थोड़ा कहीं ऐप बाजी कर रहे हैं नितिन भाई, तो वहां में लग रहे। पर सॉरी फॉर डिले वीडियो, नई नई जल्दी आएंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, आप सबको मजा आता रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीजें दिखाएं, और अपना ध्यान रखो, बाकी हम लोगों से
करेक्ट बने रहने के लिए और वीडियो के अपडेट्स के लिए आप आ सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपको पता ही है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके जाओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ फटाफट। और जिसे हवन करवाना पंडित जी का नंबर चाहिए हम दे देंगे, हम दे देंगे बढ़िया पंडित जी, इंस्टाग्राम पे आ जाओ सारे, इंस्टाग्राम पे आओ ठीक है, और बाकी ब्याह भी होगा तो कार्ड वार्ड भी दे देंगे तुम्हें ठीक है। तब तक ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। राम राम जी।